खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा से विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। बात होती है मध्यप्रदेश की, मध्यप्रदेश की काफी जिस प्रकार से विधानसभा घूमती है, भोपाल में है, काफी दूर दराज से यहाँ पे विधायक सारे आ रहे। विधानसभा सत्र चल रहा 8 तारीख से 26 तक चलेगा। इसी प्रकार देखते हैं मुरैना क्षेत्र से आए हैं सबलगढ़ विधानसभा से वेदनाथ सिंह कुशवाहा जी। काफी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से उम्मीद इनके ऊपर लगाई थी, वो जीत के आए। जनता ने चुनाव क्या मुद्दे और क्या समस्या लेके आए, विधानसभा की बात बारे में क्या उठाएंगे, यहाँ पर क्या समस्या लेके आए अपने क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं हैं जी जी, जिसमें से खासकर घाटी नीचे रामपुर क्षेत्र में जी सबसे बड़ी पानी की विकराल समस्या है जी। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार पर, हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी पर जी। निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है जी, वो सारी समस्याएं मैं उन्हें हल कर दूंगा। ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। 15 साल तक आपने बीजेपी का शासन देखा, वर्तमान में कांग्रेस सरकार, आप कांग्रेस के एमएलए हैं, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी क्या कोई नया ऐसा काम लेके आएगी किसानों के लिए? जैसे कोई अभी ऋण माफी का हुआ तो कहीं ना कहीं हद तक कहीं कर्जा माफ हुआ, कहीं बाकी इस पर क्या गतिविधियां दे सकते हैं? देखो ये बात तो पहले ये कि आपको हमसे ज्यादा जानकारी होना चाहिए जी। कांग्रेस सरकार ने जो फैसले लिए हैं जी वो निश्चित तौर पर किसानों के और दलितों के हितों में लिए हैं, पिछड़ों के हितों में, गरीबों के हितों में सारे फैसले लिए हैं जी। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी वो पूरी तरह से पूंजीपति उद्योगपतियों की सरकार थी जी। अभी तक जिस देश के अंदर में जितने भी कर्जा माफ हुए हैं जी सब उद्योगपतियों के पैसे वालों के माफ हुए हैं। पहली बार ये सरकार है कमलनाथ जी की जी, जिसने किसानों के कर्जे माफ किए। अभी 750 करोड़ 550-600 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने बैंकों को दे दिए हैं, और जिसमें से लगभग 25 लाख से भी ज्यादा किसानों के कर्जे माफ हो चुके हैं। बाकी 10-15-20 दिन में ऐसा एक भी किसान नहीं रहेगा जिसके उनके पास कर्जे रहे, सबको ये बूझ मिल रहा है। एक और खबर है मध्यप्रदेश में जो काफी दिनों से चर्चित में चल रही है, आकाश विजय बगी का मामला। उनने जो बेड से नगर निगम के कर्मचारी को जैसे मारा या पीटा भी बोल दो, उस पर आपका क्या कहना, क्या ऐसी विधायक को ऐसी हरकतें शोभा देती हैं क्या? नहीं, ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है जी, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। चाहे वो विजय वर्गी का बेटा हो, चाहे वो अमित शाह का बेटा जी, बेटा किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, उसने अपराध किया तो उसकी सजा मिलना चाहिए। काफी मुद्दों पर चर्चा हुई विधानसभा के क्षेत्र पर। वेदनाथ सिंह कुशवाहा जी मुरैना जिले से आते हैं। अब हम और भी देखेंगे, यहाँ पर काफी एमएलए रुके, उनसे चर्चा की। नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल से मध्य प्रदेश। खबर समय जगत के लिए भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।